वेलकम बैक। पिछले वीडियोस में हमने देखा अबाउट फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन, हमने सीक्वेंशियल स्टेटमेंट्स और कंडीशनल स्टेटमेंट्स कवर करे, और इस वीडियो में हम देखेंगे इटरेशन और लूप्स। अगर आपको याद हो, सीक्वेंशियल स्टेटमेंट्स सिंपल सीक्वेंस फ्लो के स्टेटमेंट्स होते हैं, जबकि कंडीशनल स्टेटमेंट्स कंडीशंस के बेसिस पर फ्लो को डाइवर्ट करने वाले स्टेटमेंट्स होते हैं, जैसे कि इफ एल्स। अब देखते हैं इटरेशन और लूपिंग। लेकिन ध्यान रहे, ये सिर्फ रिविजन वीडियो है, इसलिए मेरी कोशिश है कि सिर्फ जरूरी डिटेल्स ही दूं। इटरेशन स्टेटमेंट्स और लूप्स एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस को बार बार रिपीट करने के लिए होते हैं, फ्लो को गोल गोल घुमाने के लिए होते हैं। कितनी बार घुमाने के लिए? किसी भी फिक्स काउंट, या फिर जब तक कोई कंडीशन ट्रू रहती है तब तक के लिए। ये सब मैं एग्जाम्पल्स के साथ अच्छे से क्लियर करूंगा, पर उससे पहले हमें पता होना चाहिए पाइथन में लिस्ट और रेंज के बारे में। पाइथन में लिस्ट एक डेटा टाइप है जो कि बाद में डिटेल में डिस्कस होगा, बट इन शॉर्ट लिस्ट क्या होती है? लिस्ट एक लिस्ट होती है, जैसे 1 से 5 तक के नंबर्स की लिस्ट, या फिर A to Z तक अल्फाबेट्स की लिस्ट। सो बेसिकली डिफरेंट आइटम्स को एक साथ कलेक्ट करके रख लेते हैं। लिस्ट स्क्वायर ब्रैकेट में लिखे जाते हैं, जिसमें हर आइटम कॉमा से सेपरेटेड रहता है, जैसे कि ये एक सिंपल लिस्ट। अगर ऐसी किसी लिस्ट को एक वेरिएबल में असाइन कर दें, तो वेरिएबल का टाइप देखो क्या होगा? लिस्ट। सो बेसिकली ये एक लिस्ट है जिसमें अलग अलग आइटम्स हैं। अब इस लिस्ट में कुछ लिमिटेड आइटम्स थे जो मैंने डायरेक्टली टाइप कर दिए, लेकिन अगर हंड्रेड्स ऑफ आइटम्स की लिस्ट चाहिए हो तो ऐसी सिचुएशन में रेंज मेथड का यूज किया जाता है। रेंज मेथड में हम इनिशियल एंड फाइनल वैल्यू देते हैं, और इन रिटर्न हमें उस रेंज के आइटम्स की लिस्ट मिल जाती है। जैसे अगर मुझे 1 to 20 आइटम्स की लिस्ट चाहिए हो तो या तो मैं इंडिविजुअली आइटम्स को टाइप करके लिस्ट बनाऊं, या फिर आई कैन यूज रेंज 1 to 21। फाइनल आइटम इंक्लूडेड नहीं होता है, इसलिए एक ज्यादा देना पड़ता है। आई कैन ऑल्सो गिव स्टेप, जो कि ये बताएगा कि कितने स्टेप जंप करने हैं। अगर मैं रेंज 1, 21, 2 कर दूं, तो ये 1 से स्टार्ट करेगा और नेक्स्ट आइटम 3 देगा, बिकॉज स्टेप हमने 2 डिफाइन किया है। अब वापस आते हैं फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन के गोले पे, मतलब लूप्स पे। पाइथन में 2 तरीके के लूप्स लिखे जा सकते हैं, एक फॉर लूप और दूसरा वाइल लूप, और तीसरा नेस्टेड लूप जस्ट एक तरीका है टू मिक्स मल्टीपल लूप्स। एक बहुत सिंपल एग्जाम्पल से लूप्स का, पुशअप। हम स्पेसिफिक फॉर्म ऑफ मूवमेंट्स को बार बार रिपीट करते हैं, ये एक लूप है। लेट स्टार्ट विथ फॉर लूप। लूप दैट रिपीट सर्टेन नंबर ऑफ टाइम्स एंड प्रोसेसेस द आइटम्स ऑफ एनी सीक्वेंस, एग्जाम्पल लिस्ट और स्ट्रिंग। अगर मैं आपको 500 पुशअप्स करने के लिए कहूं तो 500 ज्यादा हो गए, चलो 5 कर लो। पता है मुझे 5 भी नहीं करोगे। तो 5 पुशअप के एग्जाम्पल में 5 एक डेफिनेटिव काउंट है, और आपको एक एक्टिविटी बार बार करनी है विच इज पुशअप। तो ये एग्जाम्पल हुआ फॉर लूप का। अगर एक्सरसाइज नहीं करते तो दूसरा एग्जाम्पल देता हूं। लेट्स से आपकी क्लास में 5 बच्चे हैं, और आपकी क्लास टीचर को हर बच्चे के लिए सारे सब्जेक्ट्स की कॉपी चेक करनी है, टोटल परसेंटेज कैलकुलेट करनी है, और रिजल्ट डिक्लेयर करना है। ये एक्टिविटीज के लिए अगर हम सिर्फ प्रिंट मैसेज यूज करें तो लॉजिक कुछ ऐसा होगा। ये मैं सूडो कोड लिख रहा हूं, जो कि लॉजिक इन इंग्लिश लाइक लैंग्वेज होता है। तो ये ग्रुप ऑफ एक्टिविटीज फर्स्ट स्टूडेंट के लिए होगी, और फिर अगर सेकंड स्टूडेंट के लिए करनी होगी तो फिर से यही दोबारा करना पड़ेगा, यानी कि पहली एक्टिविटीज को अगेन कॉपी पेस्ट फॉर सेकंड। सिमिलरली थर्ड के लिए भी फिर से कॉपी पेस्ट। ऐसे हमें 5 स्टूडेंट्स के लिए 5 बार कॉपी पेस्ट करना पड़ेगा। लेकिन कंप्यूटर इज सपोज टू हेल्प अस, ये तो काम बढ़ गया। और अगर 100 स्टूडेंट्स होंगे तो उतनी बार कॉपी पेस्ट करना पड़ेगा। इसके लिए ही लूप्स होते हैं। लूप को एक लिस्ट दे देते हैं, और उस लिस्ट को लेकर क्या क्या इंस्ट्रक्शंस रिपीट करनी है वो बता देते हैं। जैसे इस एग्जाम्पल में हम इंस्ट्रक्शंस जो रिपीट करनी है वो रोल नंबर की लिस्ट के साथ दे देंगे। फिर पाइथन लिस्ट के पहले आइटम के लिए इंस्ट्रक्शंस एग्जीक्यूट करेगा, और फिर से फ्लो को घुमा देगा फॉर सेकेंड आइटम। ये तब तक घूमता रहेगा जब तक कि सारे आइटम्स प्रोसेस ना हो जाए। तो ये सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस हर एक आइटम के लिए रिपीट होंगी। तो जो ये मैं लिस्ट कह रहा हूं, टेक्निकली वो एक डेटा टाइप है। मेरा डेटा टाइप वाला वीडियो याद है ना? सीक्वेंस इज अ डेटा टाइप जिसमें लिस्ट, टपल और स्ट्रिंग भी हो सकते हैं। तो फॉर लूप में कोई भी सीक्वेंस दी जा सकती है टू प्रोसेस। इसके लिए फॉर लूप का सिंटैक्स ये रहा। फॉर और इन कीवर्ड्स हैं। फॉर लूप में हम एक वेरिएबल पास करते हैं जो लिस्ट के इंडिविजुअल आइटम को होल्ड करता है,
और उसके बाद हम लिस्ट या सीक्वेंस देते हैं जिसके लिए प्रोसेसिंग करनी है, उसके बाद कोलन एंड फिर टैब या फोर स्पेसेस ताकि फॉर लूप का ब्लॉक बन सके। ये इंडेंटेशन पाइथन में बहुत जरूरी होती है और इस ब्लॉक में हम वो स्टेटमेंट्स लिखते हैं जो कि रिपीट करने होते हैं। मैं आपको कुछ प्रैक्टिकल से क्लियर करता हूं। सबसे पहले विदाउट फॉर लूप का एग्जांपल देखते हैं। पहले ओनली फॉर रोल नंबर वन, और फिर कॉपी पेस्ट फॉर अदर रोल नंबर्स। अब इसी लॉजिक पर फॉर लूप यूज करते हैं। देखिए कंसोल में सारी एक्टिविटीज के मैसेजेस हर रोल नंबर के लिए प्रिंट हो गए हैं। अब एक प्रोग्राम बनाते हैं टू प्रिंट टेबल ऑफ स्क्वायर्स यूजिंग फॉर लूप एंड रेंज मेथड। इसमें हम 1 to 5 नंबर्स के स्क्वायर प्रिंट करेंगे। अगर कुछ एग्जांपल सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री से दूं तो लेट से इन वन ऑफ द टॉप मोस्ट कंपनी जिसे आप ज्वाइन करना चाहते हो उसका मंथली सैलरी डिस्ट्रीब्यूशन होना है, तो इस प्रोसेस में हर एम्प्लॉय के लिए सैलरी कंपोनेंट्स कैलकुलेट होंगे, फिर सैलरी बैंक अकाउंट में ट्रांसफर होगी और फिर सैलरी स्टेटमेंट्स इंटरनल पोर्टल में अपलोड होंगे ताकि एम्प्लॉय देख सके। तो ये सारी एक्टिविटीज हर एम्प्लॉय के लिए करनी पड़ती है। अ गुड यूज केस टू इम्प्लीमेंट फॉर लूप। लूप में कंप्लीट एम्प्लॉयज की लिस्ट के लिए ये सारी एक्टिविटीज परफॉर्म करी जाएगी। सिमिलरली अगर फेसबुक या कोई भी सोशल मीडिया जब अपनी प्राइवेसी पॉलिसी चेंज करते हैं तो वो अपने यूजर्स को नोटिफिकेशन सेंड करते हैं टू रिव्यू न्यू चेंजेस। तो ऐसे नोटिफिकेशंस कैन बी इन फॉर्म ऑफ नोटिफिकेशन इनसाइड वेबसाइट या फिर इन फॉर्म ऑफ ईमेल। सो अगेन अ गुड यूज केस फॉर लूप। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक बटन को क्लिक करें और ऐसे काम के वीडियोस और इन्फॉर्मेशन के लिए चैनल और वेबसाइट पर भी सब्सक्राइब करें। और क्या था, अरे हाँ, किसी और का भी भला करने के लिए शेयर जरूर करें। अब चेक करते हैं व्हाइल लूप। व्हाइल लूप भी लूप्स हैं विद अ मेजर डिफरेंस दैट व्हाइल लूप कंडीशनल होते हैं। ये तब तक स्टेटमेंट्स को रिपीट करते हैं जब तक कि कोई गिवन कंडीशन मीट होती रहे। जैसे कि अगर मैं आपको कहूँ पुशअप करो 5 या 500 नहीं बल्कि तब तक जब तक गिर ना जाओ, तो इस बार तो पुशअप बिल्कुल भी नहीं करोगे, है ना। एनीवे, इस बार लूप तो है पर साथ में एक कंडीशन भी है। यही व्हाइल लूप का एडवांटेज है, आप एक डेफिनेटिव काउंट के बजाय कंडीशन दे सकते हो। व्हाइल लूप का सिंटैक्स इज सिंपल टू। व्हाइल इज अ कीवर्ड जिसके बाद हम कोई कंडीशन देते हैं जिसका इवैल्यूएशन बूलियन में होना चाहिए, मतलब ट्रू या फॉल्स में, और फिर कोलन फॉलोड बाय अ ब्लॉक। व्हाइल ब्लॉक में स्टेटमेंट्स जो कि रिपीट करने हैं वो होते हैं। चलिए स्क्वायर वाले एग्जांपल को ही व्हाइल में इंप्लीमेंट करके देखते हैं। हम फॉर लूप को हटा के व्हाइल लूप डाल रहे हैं। व्हाइल इज अ कीवर्ड जिसके बाद कंडीशन डालते हैं। सो हमने एक काउंटर वेरिएबल आई लिया जिसे 1 से इनिशलाइज कर दिया। काउंटर वेरिएबल इज जस्ट फॉर काउंटिंग कि लूप कितनी बार घूम चुका है। फिर कंडीशन में डाल दिया कि आई शुड बी लेस देन इक्वल टू 5। अब व्हाइल लूप तब तक चलता रहेगा जब तक कि i की वैल्यू 5 तक ना पहुंच जाए, लेकिन हर बार गोल गोल फ्लो के बाद हमें काउंटर वेरिएबल i की वैल्यू को इंक्रीज भी करना पड़ेगा ताकि काउंट को ट्रैक रख सकें। ओह, कोलन मिस कर दिया और ये स्क्वायर का टेबल प्रिंट हो गया। सो बेसिकली व्हाइल लूप से पहले इनिशियलाइजेशन होता है किसी वेरिएबल का, फिर व्हाइल में कंडीशन बताई जाती है जो हर बार सेटिस्फाई होनी चाहिए तभी लूप चलेगा, और फिर लूप की बॉडी डिफाइन करते हैं प्लस काउंटर वेरिएबल को अपडेट करते हैं। तो इस लूप में आई की इनिशियल वैल्यू 1 है
वाइल की कंडीशन टेस्ट होगी कि इफ आई इज लेस देन इक्वल टू 5 और नॉट, तो आई की तो वैल्यू जो है वो 5 से छोटी है, इसलिए कंडीशन टेस्ट का रिजल्ट होगा ट्रू एंड वाइल लूप की बॉडी एग्जीक्यूट होगी। फिर i इज इक्वल टू 1 के लिए स्क्वायर प्रिंट होगा एंड उसके बाद i की वैल्यू 1 से 2 हो जाएगी। अभी लूप फिनिश नहीं हुआ है इसलिए लूप की बॉडी से बाहर नहीं जाएगा। फिर वापस वाइल में कंडीशन टेस्ट होगी, 2 इज ऑफ कोर्स लेस देन 5, तो फिर से 2 का स्क्वायर प्रिंट होगा एंड i विल बिकम 3। ऐसे करते करते जब i की वैल्यू 6 हो जाएगी तो वाइल की कंडीशन फेल हो जाएगी और वाइल की बॉडी एग्जीक्यूट नहीं होगी और फ्लो लूप के बाहर चला जाएगा एंड लास्ट वाला स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा। इंडस्ट्री एग्जांपल्स की बात करें तो अगर आपने कभी किसी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन जैसे अमेजन, फोन रिचार्ज या बैंक वगैरह के कॉल सेंटर पर कॉल करी होगी तो यूजली प्री रिकॉर्डेड मेन्यू सुनाई देते हैं। अपने अकाउंट की जानकारी के लिए 1 दबाएं, ये करने के लिए 2 दबाएं और वो करने के लिए 3 दबाएं। माफ कीजिए, आपने कुछ दबाया नहीं, अपने अकाउंट की जानकारी के लिए 1 दबाएं, ये करने के लिए 2 है, ब्ला 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 ब्ला। तो ऐसे लूप्स बने हुए होते हैं जिनमें आपको घुमाया जाता है जब तक कि आप सही मेन्यू सेलेक्ट ना कर दें या फिर जब तक आप फ्रस्ट्रेट होकर डिस्कनेक्ट ना कर दें। तो ये एक लूप का एग्जाम्पल है जिसमें कंडीशंस हैं। सिमिलरली अगर ATM में पिन 3 बार गलत डाला तो कार्ड थोड़ी देर के लिए ब्लॉक हो जाता है। अब एक छोटी सी डिटेल और ऐड कर लेते हैं लूप्स के सिंटैक्स में। फॉर एंड वाइल दोनों एक ऑप्शनल ब्लॉक भी प्रोवाइड करते हैं जो तब एग्जीक्यूट होता है जब मेन ब्लॉक एग्जीक्यूशन फिनिश हो जाता है। बस आपको पता होना चाहिए कि ऐसा कुछ भी है। अब आते हैं फाइनली लूप्स की खिचड़ी पे, जो है नेस्टेड लूप्स। नेस्टेड लूप्स कोई नया लूप नहीं है, ये बेसिकली फॉर और वाइल लूप को कैसे मिक्स कर सकते हैं, कैसे लूप के अंदर लूप नेस्ट कर सकते हैं, उस टेक्निक के बारे में टॉपिक है। आप फॉर के अंदर फॉर या वाइल के अंदर वाइल या फॉर के अंदर वाइल और वाइल के अंदर फॉर, ये सारी नेस्टिंग कर सकते हैं। एक प्रैक्टिकल से नेस्टेड लूप्स को क्लियर कर लेते हैं। हम एक प्रोग्राम बनाएंगे जिसमें यूजर एक नंबर इनपुट करेगा और 1 से लेकर गिवन नंबर तक के स्क्वायर प्रिंट करेगा। प्रोग्राम फिर से यूजर से न्यू इनपुट मांगेगा और फिर से स्क्वायर का टेबल प्रिंट करेगा। ये तब तक चलेगा जब तक यूजर 0 इनपुट ना दे दे। इस एग्जाम्पल में हम वाइल लूप यूज करेंगे कंडीशन टेस्ट करने के लिए कि यूजर ने 0 इनपुट दिया है या नहीं, और फॉर लूप यूज करेंगे इनसाइड वाइल लूप स्क्वायर के टेबल को प्रिंट करने के लिए। सो, सबसे पहले हमने एक वेरिएबल लिया है टू ट्रैक यूजर इनपुट नंबर, जिससे सिंपली इनिशियलाइज कर दिया है किसी भी नंबर से अदर देन 0। उसके बाद वाइल लूप में कंडीशन चेक करी है कि ये वेरिएबल 0 तो नहीं है। फर्स्ट टाइम हमने इसे -1 से इनिशियलाइज किया है, इसलिए कंडीशन ट्रू हो जाएगी, ये 0 नहीं है। सो वाइल लूप की बॉडी एग्जीक्यूट होगी। इस बॉडी में हम यूजर से एक नंबर इनपुट करवा रहे हैं और फिर उसका स्क्वायर टेबल फॉर लूप से प्रिंट करवा रहे हैं। फॉर लूप एग्जीक्यूट होने के बाद फिर फ्लो वाइल लूप की कंडीशन चेक करेगा और अगर इनपुट नंबर 0 नहीं है तो फिर से न्यू नंबर यूजर से मांगेगा। ये स्क्वायर टेबल्स गिवन नंबर के लिए तब तक प्रिंट होते रहेंगे जब तक यूजर 0 की डाल के वाइल लूप को ब्रेक ना कर दे। तो हमने इटरेशन और लूपिंग भी रिवाइज कर लिए। रिविजन कहते कहते मैंने कुछ ज्यादा ही डिटेल्स दे दी। एनीवे, तो हमने लूप्स कवर करे और लूप्स में फॉर लूप, वाइल लूप और उनकी खिचड़ी कैसे बनाई नेस्टेड लूप्स में, ये भी देखा। लूप्स काफी कंफ्यूजिंग टॉपिक होता है एंड इट रिक्वायर्स लॉट ऑफ प्रैक्टिस, तो प्रैक्टिस करना, इसलिए हमने ढेर सारे एग्जांपल्स और प्रैक्टिकल के साथ लूप्स कवर करे। एंड आई होप आई वॉज एबल टू सिंप्लीफाई द टॉपिक एंड आपको क्लियर हुआ होगा कि लूप्स क्या होते हैं। चलिए, कैच यू नेक्स्ट वीडियो।